कितना यादगार और कितना प्राउड वो लम्हा था जब आपको दादा फाल्के अवार्ड मिला था? मेरे लाइफ का इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था कि मतलब बहुत खुशी की बात थी कि दादा साहब फाल्के जो है एक लीजेंड थे, उनके नाम से ये इंडस्ट्री चल रही है। एक्चुअली वो नींव उन्होंने डाली थी, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड ये, इसीलिए दुगुनी खुशी हो गई। इस पे सर, इस पे मैं और ज़्यादा दुगुनी खुशी आपको इसलिए हुई होगी क्योंकि आपके गुरु भी वहाँ शायद मौजूद थे। जी, मेरे गुरु जी पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी वो वहाँ पे थे और उनको भी मिला और उसी स्टेज पे मुझे भी मिला, तो मेरे लिए दुगुनी खुशी थी। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। मैम, ये दादा फाल्के साहब अवार्ड जो आपको मिला है, ये किस कैटेगरी में मिली है? ये एज अ बेस्ट क्लासिकल एंड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। एक गाना हो जाए जब आपको इतनी बेस्ट कैटेगरी सिंगर के लिए मिला है, तो गाना हो जाए उस पे। ओके, अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिले है कौन सी, ना समझ सके न हम। अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिले है कौन सी, ना समझ सके न हम। आपकी सिंगिंग की शुरुआत कब हुई? मेरी सिंगिंग की शुरुआत मैं 4 साल की थी तभी से शुरू हुई है और मेरे पापा ने मुझे म्यूज़िक में तभी से डाला है और म्यूज़िक सीखती आई मैं, स्कूल लेवल से सीखती आई मैं, काफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती आई, प्रोग्राम्स किए, काफ़ी टीवी पे प्रोग्राम्स किए, आकाशवाणी पे प्रोग्राम्स किए और मुंबई में खास मुझे म्यूज़िक सीखने के लिए रखा पापा ने। गाने की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, लोग कहते हैं गाने कोई लैंग्वेज नहीं होती है, बिल्कुल। और तो आपने कौन कौन से और भी हिंदी के अलावा कौन कौन से और रीजनल भाषा में कुछ गाए हैं? मैंने भोजपुरी गाए हैं, मराठी में भी गाए हैं और हिंदी में भी गाए हैं। आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं आगे? अभी आने वाले प्रोजेक्ट जो है, एक फिल्म आ रही मेरी, उसमें 3 सॉन्ग्स गाए हैं मैंने और एक मेरे गुरुजी पद्मश्री अनूप जलोटा जी उनके साथ एक एल्बम आ रहा है और एक गज़ल के एल्बम पे भी काम चल रहा है मेरा। एज ए करियर अगर बात करें, हर एक व्यक्ति अपनी एक करियर सोचता है, इसमें मैं करियर हूँ, तो आपने कौन से लैंग्वेज में सोचा है कि इस लैंग्वेज में मैं अपना करियर स्थापित कर रही हूँ? मैं हूँ महाराष्ट्रन एक्चुअली, बट मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करना अच्छा लगा। मराठी होने के बावजूद भी मराठी में कम काम किया मैंने, तो हिंदी इंडस्ट्री में ज़्यादा करती आई मैं आज तक काम और अच्छा लगता है। हर एक व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, आपके सिंगिंग के अलावा दूसरा कौन सा पहलू है? मेरा सिंगिंग के अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी थी, मैं एक्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, एक्ट्रेस भी हूँ मैं, 2 सीरियल्स कर चुकी हूँ और मराठी थिएटर करती हूँ। उसके अलावा मैं फोक डांस का भी थोड़ा नॉलेज रखती हूँ और म्यूजिक डायरेक्शन भी करती हूँ। हमने ऐसा सुना है कि आप सामाजिक काम करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं जो बहुत गरीब हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस बारे में बताइए कि ये कहाँ से शुरू हुई, आपको कैसे ये विचार आया कि नहीं गरीब बच्चों को मुझे सिखाना है? एक्चुअली मैं BMC में एज अ म्यूजिक टीचर जॉब करती हूँ, तो BMC में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि जो उनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है और पुअर होते हैं इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि इन बच्चों को क्यों ना मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाऊं, तो मैंने काफ़ी रियलिटी शोज़ करवाए उनसे, मतलब डांस महाराज, डांस जीवा मराठी चैनल का, जैसे कि बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शंकर महादेवन जी और देवेंद्र फडणवीस जो प्रीवियस मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ अमृता फडणवीस, उन्होंने मिलके एक मिट्टी के सितारे नाम का एक शो अरेंज किया था। उसमें मैंने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, 30 स्टूडेंट थे उसमें, वो भी तो वहाँ पर भी विनर हुए, सेकेंड रनर अप हुए थे वो वहाँ पर भी, और डांस महाराज डांस में भी टॉप 5 पे बच्चे गए थे। और स्लम एरिया में जाके मैं बच्चों को सिखाती हूँ, फ्री सिखाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक सोशल, थोड़ा सोशल माइंड होने की वजह से सोशल वर्क भी कर लेती थोड़ा बहुत, 2-3 NGO में जाके भी बच्चों को सिखाती रहती हूँ। तो जहाँ पे भी टैलेंट मिलता है मुझे, तो उनको मैं प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती हूँ। आपने बहुत कम उम्र से सिंगिंग की शुरुआत की है जी। अब एक वक्त ऐसा है कि बहुत आसानी से रियलिटी शो होते हैं, बहुत आसानी से लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और आपके समय नहीं था? नहीं था।
तो अभी 10-12 साल में ही अभी शुरू हो गया है। तो ये कितनी सिंगिंग करने वाले लोग के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, कभी कभी लगता है काश मैं छोटी थी तभी अगर ये रियलिटी शो होते तो बहुत अच्छा होता। आजकल के बच्चे इतने लकी हैं कि उनको प्लेटफॉर्म ईजी मिलता है। मैं जब छोटी थी तभी हमें प्लेटफॉर्म जल्दी मिलता नहीं था, तो इन लोगों को तो बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो सीखे, स्पेशली क्लासिकल सीख के अच्छी तरह से आपका प्रेजेंटेशन करें, परफॉर्म करें, है ना। तो सारेगामा पर लिटिल चांस, जो इंडियन आइडल जो है, इवन डांस के शोज़ है कितने सारे, डांस दीवाने वगैरह, तो इनको करना चाहिए आजकल के बच्चों को। और स्पेशली म्यूज़िक में तो क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी शो की जब बात चल रही है तो रियलिटी शो जो होते हैं बहुत सारे हैं, डांस के भी हैं, सिंगिंग के भी हैं, तो लेकिन जो डांस वाले हैं वो काफी पिक्चर लॉन्च करते हैं डांस के ऊपर, तो ऐसी कोई विचार आपके अंदर भी आया कि नहीं मैं एक सिंगिंग को लेके एक प्रोजेक्ट बनाऊंगी जिसे हिट करूंगी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट? जी आया है मेरे सामने, एक प्रोजेक्ट आया है, एक फिल्म आई है एक्चुअली, तो पूरी म्यूजिकल फिल्म है वो, तो पूरा फिल्म का म्यूजिक मेरे सामने आया हुआ है कि बैकग्राउंड म्यूजिक और सारे सॉन्ग्स मैं करूँ, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो हम जरूर इसके ऊपर वर्क करेंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से काम थोड़ा स्टॉप हुआ था, तो हम करना चाहेंगे और करेंगे हम। तो जी बोलिए। एक आपका दौर था जो बहुत अच्छे गाने होते थे, एक बार गाना आदमी सुनता था तो सालों तक वो चलता था जी। एक अब का जमाना है जो गाना आज हम सुनते हैं कल उसे भूल जाते हैं। ये बदलाव जो है इस पे क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे? एक्चुअली पुराने सॉन्ग जो थे रियल प्योर क्लासिकल म्यूजिक पे बने होते थे, प्योर रागास पे बनते थे, इसीलिए सुनने के लिए अच्छे लगते थे वो, और मेलोडियस होते थे। और एक सॉन्ग का रिकॉर्डिंग करने के लिए कम से कम 15-20 दिन लगाते थे लोग, इतने मतलब तराश के गाना गाते थे। लता जी जब रिकॉर्डिंग करते थे तो 15-15 दिन एक गाने का रिकॉर्डिंग चलता था उनका, और स्पेशली लाइव इंस्ट्रूमेंट तब होते थे, अभी कैसे डिजिटल हो गया सारा। तो वो जो ओरिजिनलिटी जो होती है, मिठास जो होती है सिंगिंग में, वो अभी नहीं होती है, और टोन जो होता है ना वो इतना उस तरह का नहीं होता है, बनते हैं गाने पर लाइव नहीं होता है, तो फर्क पड़ता है थोड़ा सा। तो नए जो सिंगर्स हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नए सिंगर्स को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप बेसिकली क्लासिकल जो बेस है, रागास बेस, बेसिक रागास जो है वो सीखिए, बेसिक सीखिए, तो आपका बेस पक्का हो जाएगा, तो आप कोई भी सॉन्ग हो, किसी टाइप का भी सॉन्ग हो, आप बहुत अच्छी तरह से गा पाएंगे। और क्लासिकल सीखना मस्ट है। आज कितने भी बड़े सिंगर्स, जितने भी बड़े सिंगर्स हो गए हैं, वो आज भी अभी भी क्लासिकल का रियाज करते हैं। मैं अभी भी 4-4, 5-5 घंटा रियाज करती हूँ, और तभी जाके, और क्लासिकल का रागास का भी रियाज करती हूँ, फिल्म सॉन्ग्स का भी रियाज करती हूँ। पर आप अगर क्लासिकल प्रॉपरली सीखोगे तो फिल्म सॉन्ग्स हो या गज़ल हो या भजन हो, कोई भी फॉर्म हो, सूफी हो, तो आप इजीली गा पाओगे, कठिन नहीं लगेगा।